बहुत तगड़ा शरीर है अंकल का। और वो बताऊं, वो लगभग 16-17 साल की उम्र से वर्कआउट कर रहे हैं, बता रहे थे मेरे को। वो सब गाइस, क्या हाल है आप सबके? बढ़िया होंगे ना, मुझे पता है। तो फिलहाल आज की शुरुआत कुछ यहाँ से हो रही है। गाड़ी के पास आए, थोड़ी बोतल थी गाड़ी के अंदर, वो निकाल लें दीदी की। अरे एक सेकंड रुको, वो दिखनी थी, दिखेगी तभी तो मिलेगी। क्यों ब्रो? यार अभी मैं थोड़ा मार्केट गया था, मार्केट से दूध भी लेके आया था। ये रखा हुआ, ये पैकेट दिख रही है कागज़ में? हाँ तो यही है, ये पार्किंग एरिया है पूरा, ठीक है। ये पूरा जितना भी आपको दिखाई दे रहा है, और जी इनोवा अंकल जी, जी मतलब ये अंकल की लकी गाड़ी, अंकल ऐसा बोलते हैं, लकी होगी। भाई साहब बोतल मिल के नहीं दे रही है, कहाँ दुखी हुई है। चल तो मैं बोतल ढूंढता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कहाँ वर्क की थी, ठीक है? तो ढूंढ लो एक बार में। तो ब्रो बोतल तो मिली नहीं, शायद उस वाले नोएडा वाले घर पर छूट गई है। अभी आवाज़ सुनाई दे रही मोटर की है, मोटर चल रही है। अभी एक बार टंकी और चेक कर लेता हूँ, सीधे आपको ऊपर जाके मिलता हूँ। आप क्या मेरी बात सुनोगे, है ना? तो ऊपर जाके मिलता हूँ डायरेक्ट आपसे। तो ब्रो टंकी में तो पानी भर गया लगभग पूरा सा, है ना? पूरा भर गया है, तो रख देते हैं वापस इसको। जय माता दी। और ये ईंट उठाई, ये ठीक है, पानी चेक कर लिया, बाजार से सामान भी लिया है ब्रो। अब चलते हैं नीचे और पढ़ाई करते हैं। हाँ सुबह की मील मैंने ले ली थी, मैं आपको बता दूँ, सुबह की मील लेके मैं फ्री था। अब मैं पढ़ाई करूँगा, कल नहीं हो पाई। सच से बताऊँ, बोलने लगा था, मैं बोल भी सकता था, कहता हूँ इतना पढ़ लिया, पर नहीं हो पाई पढ़ाई। अब जाकर मैं पढ़ाई करता हूँ और फिर मैं आपसे बात करूँगा, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नौकरी के लिए सब चीज़ ज़रूरी होती है। और तुम्हें एक बिल्ली दिखाऊँ, देखो ये आंटी के पास बिल्ली है, हमारी ऊपर वाली जो आंटी है ना, इनके पास एक सफ़ेद सी बिल्ली। ए बिल्लो बिल्लो बिल्लो, ऐसी बैठी रहती है। हाँ आई लव यू टू, ऐसी है, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ उनसे पढ़ाई करके। यो प्लान में थोड़ा चेंज कर दिया तुम्हारे भाई ने, अभी नहीं 10 मिनट बाद पढ़ूंगा, अभी फिलहाल मैं नेल कटर लेके आया हूँ, ठीक है। वो जो नेल कटर था ना दीदी के पास, वो काम नहीं कर रहा था, उसकी धार चली गई थी। तो न्यू नेल कटर नाखून काट दूंगा, तुम्हारा भाई ऐसे नाखून काटेगा ना, ऐसे वाले काट देगा, मतलब उंगली काट देगा पूरी, इतने जोर से नाखून काटेगा। तो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल नाखून काट के फिर पढ़ूंगा, ठीक है। नहीं खाना खाने का टाइम आ गया, आज घर बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि बाहर गेस्ट आए हुए हैं, ठीक है। अंकल जी कुछ दोस्त वगैरह हैं साथ के, वो आए हुए हैं, तो मैं खाना दिखा देता हूँ आपको। खाने में क्या है? बीन्स की सब्जी और अब आप आओगे सेव का घर रहता है थाली में, मम्मी देती है मुझे सेव, और ये गाजर मिर्च और 2 रोटी बस, ठीक है। 2 रोटी से फालतू नहीं खा रहा। अब हमारे ज़्यादा नहीं 4 दिन बचे हैं ना, हाँ 4 दिन बचे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अभी पढ़ के खाता मैं, पढ़ लिया था मैं ईमानदारी से, तो फिर अभी से खाता हूँ, उसे खाने के बाद तुमसे बात करता हूँ। जब गेस्ट के लिए चाय वगैरह नहीं बन रही है, तो फिर चाय बन रही तो मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं खाना खा लूँ, पहले भूख लग रही है जोर से, क्योंकि 1:30 बज चुका है, इस टाइम तक भूख रहने की आदत है नहीं। मैं 1 बजे तक लगभग खा लेता हूँ, 12:30-1 बजे के बीच, तुमने देखा भी होगा पिछली वीडियो में। तो पहले खा लूँ फिर बात करता हूँ मैं आपसे। तो यार सो गए थे थोड़ा अपनी प्री वर्कआउट मील लेकर, अब फिलहाल 5 बज रहे हैं, ठीक है, उठ चुके हैं। एक सेकंड रुकना, कितनी ओवर एक्टिंग। अरे यार वाजी आ रही है तो मैं क्या करूं, तुम्हें लग रहा है लॉटरी में ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ, आ रही हो वैसे भी सूख उठाता मैं। तो फिलहाल जिम चल रहे हैं, और विस्तार आए थे मतलब अंकल के दोस्त वगैरह, तो वहाँ थोड़ा बिजी हो गया था मैं। उसके बाद मैंने अपनी प्री वर्कआउट मील बनाई 4 बजे, और उससे खा के मैं 2 अंडे मतलब खाए, और फिर मैं सो गया। फिर वो दिन लेट आता ना, हल्की सी नींद आई, पर अभी तभी अलार्म बज गया और मैं उठ गया। तो अभी चलते हैं जिम, जिम पे आज लेंगे शोल्डर, तगड़ी तरीके से शोल्डर एकदम डैमेज कर देंगे, बहुत तगड़ा वर्कआउट लेंगे, उसके बाद उनसे मिलते हैं। तो ये रहे हमारे जूते, ठीक है, और ये हमारे सेक्सी लेग जो हमने लेग मार के तोड़ दिए थे सैटरडे को, और ये हमारा कमरा, ये वाला ये दीदी का, ठीक है, देख रहे हो? या पैसा टेंशन क्या, कुछ नहीं कर सकता। तो फिलहाल चलिए जिम चलते हैं, और जिम में तो मैं एक्सरसाइज दिखाता हूँ, ठीक है, शोल्डर की कौन कौन सी करता हूँ और कौन कौन सी नहीं। Thank you.
से आ गए वापस, शोल्डर वर्कआउट था बहुत तगड़ा था, और आपने वो अंकल देखे मैंने क्लिप में दिखाए, तो मैं बताया वो 48 के ही, उनकी एज 48 है और इस टेम्पो का ये शरीर है, तो मैं बातचीत मतलब उनके साथ कर लेता हूँ थोड़ी बहुत कभी कभी, जैसे बैक हो गई या फिर बाइसेप हो गई तो मैं उनके साथ लग जाता हूँ करने के लिए, क्या यार कोई बड़ा सिखा रहा है या फिर कर रहा है, नॉलेज ही मिलती है तो वो मैं उनके साथ कर लेता हूँ, तो बहुत तगड़े तगड़ा शरीर है अंकल का, और वो बताऊँ वो लगभग 16-17 साल की उम्र से वर्कआउट कर रहे हैं बता रहे थे मेरे को, तो अभी फिलहाल अपने डाइट लेते हैं, तो डेली कितने 3 अंडे और प्रोटीन शेक, ठीक है इसमें खाली केला और दूध नहीं है, पानी है और अपने प्रोटीन के स्कूप हैं, तो वही है, तो अभी इस मील को लेंगे और इस मील के लेने के बाद मैं पिक्चर देखूंगा शायद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, पुरानी पिक्चर है पर क्या है मुझे टाइम पास हो जाता है मेरा देख के, और मैं दिन में पढ़ लिया था, मुझे जितना टारगेट है मेरे एक दिन के क्वेश्चनों का वो मैंने पूरा कर लिया था, हाँ अगर अभी मन करेगा तो मैं थोड़ा बहुत और पढ़ लूंगा 5-6-7 जितने भी क्वेश्चन याद करने होंगे और कर लूंगा मैं, और क्या बोलते हैं यार अब सीरीज खत्म होने वाली है, लगभग 3-4 दिन और हैं फिर मेरी कटिंग खत्म हो जाएगी, और उसके बाद मतलब वेट लूज होगा ना जो वो हो जाएगा, फिर उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा मतलब क्लीन जंक फूड नहीं खाऊंगा मैं, क्लीन खाना चालू कर दूंगा, जिससे थोड़ा सा हाँ कि अगर जिम कर रहा हूँ तो बॉडी पर थोड़ा नेक लगे भी ना, क्योंकि जिम कर रहा हूँ और शरीर बन नहीं रहा तो वो अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता, मैं खाता नहीं था पहले ही जब जिम करता था, पर अब के जरूर खाऊंगा, तुम्हारा भाई अब के खाएगा अब के थोड़ा बहुत जितना भी शरीर बनेगा वो बना दूंगा मैं, मिल लेता हूँ, मिल लेने के बाद तुमसे बात करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि भूख लग गई जिम करते हुए पता है जितना भी बॉडी में वो पेट में जितना भी खाना होता सब पच जाता है अच्छी तरह, और वो मतलब जिम जा रहा है पसीना आना चाहिए ना, मसल दर्द करनी चाहिए, मसल टूटनी चाहिए, मसल ब्रेक डाउन होगी तभी तो नई मसल बनेगी, ठीक है समझ रहे ना, तो फिलहाल मुझे आप खाना खा लें तो मतलब अपना प्रोटीन शेक पी लेना अंडे खा लेना, उसके बाद बात करता हूँ मैं आपसे, तो वही रात हो गई है बहुत लगभग 10:30-11 बज चुके हैं और आवाज़ की नींद बहुत तेज, तो फिलहाल सोएंगे, जिम जाने से पहले आधे एक घंटे लेट हुआ था, फिर दीदी ने लगा दीदी अब जिम जाने का टाइम हो गया था तो मैं जिम चलेगा, फिर थक गया हूँ आज बहुत ज़्यादा, पढ़ा नहीं हूँ दिन पर ही पढ़ा था बस, तो अभी अभी पिक्चर देखी थी मैंने वो बैटमैन वाली, बैटमैन बिगनिंग वाली, हाँ जो जिसमें बैटमैन बनता है वो, तो वो वाली देखी थी, और उसके नीचे सजेशन आ गया कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, अगर किसी ने देख रखी हो तो बताना कमेंट में ज़रूर कि देख रखी है कैसी है, अगर अच्छी हुई तो देख लूँगा, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, और कमेंट में ज़रूर बताना यार कि वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वैसे व्यूज़ तो डाउन हो रहे हैं मेरी वीडियोज़ के, पर कोई बात नहीं, अभी मेहनत नहीं छोड़नी है, अभी ये टाइम ही है बनने का, तो जितना बना जाएगा हम बन लेंगे आराम से, मेहनत कर लेंगे अभी तो धीरे धीरे जितना टाइम है, दो तीन दिन बाद सीरीज खत्म, उसके बाद वीडियोस आएंगी अल्टरनेट डेज पे शायद, या फिर रेगुलर भी आ सकते हैं कुछ नहीं कह सकते, और वैसे आप लाइक कर देना एक, ठीक है कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी, आई होप बढ़िया ही लगी होगी आप सबको, ठीक है, और आप ये टीवी देखते हो इसे ये वाली, पूछते नहीं यार ये टीवी चलाता नहीं है तू, चला हुआ कैसे इसमें चार्ज लेंगे, और मैंने ये चालू करके भी देखी, अगर ये वाईफाई वाली हुई तो इसमें वाईफाई कनेक्ट करके फिर चला लेंगे, इसे कल चेक करते हैं, चलो इसे कल करेंगे इस पर अपनी मिस्त्री गिरी, तो मिलूंगा फिर मैं आपसे कल अगली वीडियो में, ठीक है तब तक के लिए बाय, हम आपसे मिलेंगे हम कल।